दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, क्या आप भी परेशान हैं? चाहे फिर वो परेशानी कहीं की भी हो, यानी चाहे पैसे की हो, व्यापार की हो, बेरोजगारी की हो या परिवार की हो, तो क्या आप ऐसी परेशानियों से परेशान हैं? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ख़ास बात लेकर आए हैं। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम अंधविश्वास आप लोगों के ऊपर से हटाने वाले हैं, आपके अंदर की गलत सोच को मिटाकर आपके अंदर सकारात्मकता भरने वाले हैं। तो इसीलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कई सालों से कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर तंत्र क्रियाएँ करके आपको बर्बाद कर रहा है। तो आखिर वो गुप्त शत्रु कौन है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि अक्सर जीवन में हम जब भी बड़ा काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा काम होने वाला है। और कभी कभी हम इसको लेकर ढिंढोरा पीट देते हैं, मोहल्ले में बता देते हैं कि अब तो तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ऐसा होता है कि अंत समय पर जाकर हम विफल हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या था कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तूने ढिंढोरा पीटा तो तुझे नज़र लग गई, या किसी ने कुछ तुम्हारे ऊपर करा दिया है, या फिर उसे वो काला जादू या तांत्रिक क्रिया उसे जोड़ देते हैं, क्योंकि इस ज़माने में जलने वाले लोग बहुत हैं। ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि इस दुनिया में आपको चाहने वाले से ज़्यादा जलने वाले मिलेंगे, जो अपनी हिम्मत को जोड़ने की बजाय, आपकी हिम्मत को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तो यकीनन हो सकता है कि कोई आपके ऊपर करने का प्रयास करे, परंतु वो तब सफल होगा जब आपके कर्मों में दोष होगा। यानी अगर आपके कर्म अच्छे हैं या बेकार हैं, या आपने हमेशा एक गरीब के चेहरे पर खुशियाँ लाई हैं, या किसी भूखे का पेट भरा है, अपने जीवन में कभी आलस्य का मार्ग नहीं अपनाया, आप हमेशा ईमानदारी से चलते रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यकीनन आपके कर्म अच्छे हैं। और जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं तो उसको भगवान भी जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है। इसीलिए जब कुछ अच्छे इंसान पर कोई कुछ करने की सोचता है तो उसका सारा किया कराया उसी के ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी किसी भी चीज़ में नहीं डरना है। लेकिन यदि वही कर्म आपके बुरे हैं तो तब मन में ये भय बना रह सकता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो गलत करता है उसी के ऊपर गलत होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कर्मों को अच्छा कर लेना है। उसके बाद भगवान का साथ लेते हुए, भगवान को साक्षी मानकर ये सोच लेना है कि अब मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कर्म प्रधान हैं और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अब इसके अलावा दूसरा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब हम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, या तो हम अचानक ही थकान होने लगती है, या फिर बुखार आ जाता है, या कुछ अलग अलग तरह की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, और उसी चक्कर में हम अस्पताल भी चले जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आप तो बिल्कुल सही हैं, आपके अंदर गतिविधियाँ सही चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप बीमार क्यों पड़ गए। तो देखिए, ऐसे में फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर शायद किसी ने कुछ कर दिया है, तभी ये इतना बीमार पड़ रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि ऐसे में आप एक काम करें, क्योंकि आज हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, यदि आप उनको प्रयोग करेंगे तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो दूर होगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने सोचा कि मुझे ऐसा हो सकता है, तो समझ लीजिए कि वो हो ही गया है। क्योंकि दोस्तों, ये तंत्र मंत्र क्रिया सोचने से ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसके अलावा ज़माने की चिंता भी आज का इंसान अपने ऊपर लिए फिरता है, तो देखिए उसका भी सेहत पर असर पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग यकीनन हमारे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हम आपको इन उपायों के द्वारा बताएंगे कि ये सब व्यर्थ की अंधविश्वास की बातें हैं। आप इसको सोच कर अपने अंतर नकारात्मक शक्ति को मत बढ़ाइए। यदि नकारात्मक व्यक्ति ने प्रवेश कर भी लिया है, तब आप एक काम कीजिएगा कि यदि आप पर भी ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है, आप संकट में चल रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि किसी ने कुछ जादू मंत्र टोटका कर दिया है, और यदि आपको ऐसा महसूस होता है, तो देखिए ऐसे में अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो बात है वो बहुत ही सही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष संबंधित लाल किताब के जो सात्विक टोटके रहते हैं, उन्हें आप उपाय कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था या अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने से किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है।
क्योंकि दोस्तों उपाय करना तो जीवन में गलत है ही नहीं, इन उपायों के माध्यम से ही हमारा काम बने या ना बने, लेकिन एक सोच मन में बन जाती है कि यकीनन अब कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, अब कुछ सही होगा या अब मेरे जीवन में चार चांद लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह की ये एक सोच बन जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही सोच इंसान का काम बना देती है, क्योंकि पॉजिटिव हर किसी को रहना है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब जब भी बुरी बला, आत्मा, प्रेत, काला जादू, तांत्रिक क्रियाओं का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपको इन भगवान का नाम लेना है। सियावर रामचंद्र भगवान जी की जय, जिन्हें सुनकर पवनसूत हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात पर आप कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम का नाम लिखते हैं। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। तो सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दें, और संध्या वंदन घर में हो या मंदिर में, वो भी सुबह शाम की जाती है। इससे पवित्र भगवान और शांति का माहौल घर में रहता है, और हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसके अलावा देखिए, हर तरह की जाने अनजाने से होने वाली अनहोनी से ये बचाते हैं। तो दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव ताकत का अनुभव होता है, तो यकीनन आपको भी ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, हनुमान जी को चोला भी ज़रूर चढ़ाएँ, 5 बार कम से कम आप उनको चोला चढ़ाएँ। इससे तुरंत ही आपको संकट से मुक्ति मिल जाएगी, तुरंत ही आपके अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में अगर आप रख देते हैं तो आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, और ये कम से कम आपको लगातार 11 मंगलवार या 11 शनिवार तक करना है। और यदि चोला चढ़ाने जितना आपका बजट नहीं है तो देखिए, इसके लिए यकीनन आप सिंदूर उनके पैरों में लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। उनको आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, एक ही बात है, बस श्रद्धा सही रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों में श्रद्धा की कमी पाई जाती है और कहते हैं कि हमारा काम नहीं बना। दोस्तों अगर श्रद्धा ही मन में नहीं होगी, ध्यान भटकेगा, मन में चोर चल रहा है, भगवान की भक्ति करने आ गए, तो ऐसे में कैसे भगवान आपकी सुनेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप जब भी मंदिर जाएं तो आपका सबसे पहला दायित्व यही होना चाहिए कि आप एक शुद्ध और पवित्र मन से सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करें, तो ही उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अब इसके अलावा एक और हम नारियल का ज़बरदस्त उपाय आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पानीदार एक नारियल आपको लेना है और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जगह हवन चलते ही रहते हैं, अग्नि जलती रहती है, तो इसीलिए जिस सदस्य के ऊपर संकट छाया हुआ है तो उसके ऊपर से आपको नारियल वारना है, और सभी समस्याएं दूर होंगी, बीमारी से वो बचा रहेगा। और लगातार 5 शनिवार तक आपको ये करना होगा, जीवन में आए सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। और अगला है गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षियों को भोजन खिलाना। जी हाँ दोस्तों, जानवरों के लिए अन्न जल की सेवा करने से उनकी हर तरह से आपको दुआएं मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में इसे सभी कर्म के आधार पर वैश्व धर्म यज्ञ कर्म कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। क्योंकि इंसान तो मुँह से मांग सकता है, लेकिन जानवर तो कह भी नहीं सकते, केवल अंतर्मन में रोते रहते हैं, वो भी ये समझ नहीं सकते। इसीलिए इन सभी की सुरक्षा करनी चाहिए, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करके रखना चाहिए, इससे आपको भगवान का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को भी दाना डालने से पितर तृप्त होते हैं, और कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से जो कि आकस्मिक संकट आते हैं वो दूर होते हैं, आर्थिक संकट से भी आप बचे रहते हैं। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें, और उस पात्र को रात के समय अपने सिरहाने रखकर सो जाइए, और प्रातः उठकर उस जल को तुलसी के पौधों में चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी परेशानियां जड़ से ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की तुला राशि वाले, अगर किसी ने भी आपके ऊपर कुछ किया कराया है, ऐसे में मन में भ्रम फैला हुआ है, तो आज की ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। हमने जो आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, 100% आपको लाभ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कई सालों से कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर तंत्रिक क्रियाएं करके आपको बर्बाद कर रहा है, तो आखिर वो गुप्त शत्रु कौन है और उसे आप कैसे पहचानेंगे, इस वीडियो में विस्तार से हमने जाना। तो लेकिन दोस्तों देखिए, जीवन में जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए लोगों को भी पता चल जाता है, हमें भी पता चल जाता है, और ये हमारी ही गलती होती है कि हम लोगों को बता देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कौन हमारी कामयाबी से खुश हो रहा है और कौन जल रहा है। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, हर किसी पर आँखें बंद करके विश्वास नहीं करना है।
इसीलिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कई सारी बातें हमें बताई हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हमें जिनसे फ़ायदा होता है, इसीलिए हमें उन्हें फॉलो करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।